आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस घर बैठे अपने मोबाइल से बिना ओटीपी चेक करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे बिना ओटीपी के पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए अब ओटीपी ज़रूरी हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए ओटीपी नहीं आ पा रहा है, या तो मोबाइल नंबर खो चुका है, गुम हो चुका है। ऐसी स्थिति में ओटीपी नहीं डाल पा रहे हैं और पीएम किसान का स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं उसमें आप आसानी से बिना ओटीपी के स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बिना ओटीपी स्टेटस चेक करने का आज हम आपको नया तरीका बताते हैं। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए ज़रूरी है, आपको भी कभी आवश्यकता हो सकती है, आपका भी कभी मोबाइल नंबर अगर गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आप चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान आपको सर्च करना है और पीएम किसान योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, pmkisan.gov.in, इसे आपको खोल लेना है। अब गूगल में ये पोर्टल खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर इस तरह से खुलेगा। तो अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, फॉर्मर कॉर्नर का ऑप्शन जो दिखाई देगा, यहाँ पर सभी प्रकार के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है नाउ योर स्टेटस, इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने स्टेटस चेक करने वाला ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो वही ओपन किया है, तो यहाँ पर बिना ओटीपी स्टेटस कैसे ओपन होगा? तो ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और आप पीएम किसान का स्टेटस आसानी से बिना ओटीपी के चेक कर पाओगे। कोई भी आपका मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर से निकाल सकते हो, ये भी बहुत आसान तरीका है, ये भी आप बिना ओटीपी के निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप कमेंट करना, पहले मैं आपको स्टेटस चेक करने का तरीका बता देता हूं। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया है। आपको भी अपने स्टेटस चेक करने वाले इस ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर खुद के डालने हैं और कैप्चा कोड डालना है और फिर आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज खुल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर लिखा आपके लास्ट 4 अंक मोबाइल नंबर दिखाए गए हैं, इन मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है 4 अंक का, ओटीपी यहाँ पर डालना है, स्टेटस ओपन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो ओटीपी नहीं आया है, हमारे पास तो ये मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, मोबाइल नंबर खो चुका है, या फिर कोई भी स्थिति हो सकती है हमारे पास अगर ये ओटीपी नहीं आता है तो हम बिना ओटीपी स्टेटस कैसे देख पाएंगे? इसके लिए चलिए हम आपको नया तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जिस ब्राउज़र में आपने ये पीएम किसान का स्टेटस देखने के लिए प्रक्रिया कर रखा है उसी ब्राउज़र में, जैसे कि हमने क्रोम ब्राउज़र का उपयोग किया है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक न्यू टैब दिखाई दे रहा है, इस न्यू टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान से वीडियो देखिएगा, इस पर क्लिक करके आपको इस तरह से दोबारा पेज खोल लेना है। यहाँ पर फिर से आपको पीएम किसान सर्च करना है, फिर से पीएम किसान gov.in का पोर्टल ओपन करना है, फिर से आपको यहाँ पर नाउ योर स्टेटस ऑप्शन पर जाना है। अब यहाँ पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, लेकिन यहाँ पर उस किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जिसके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध हो, जिसका ओटीपी से स्टेटस चेक होता हो, उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता हो। आपके आस पड़ोस में, गांव शहर में कोई तो ऐसा किसान होगा जिसके पास ओटीपी से स्टेटस ओपन होता हो, यानी उसके मोबाइल नंबर उसके पास उपलब्ध हो और ओटीपी प्राप्त होते हो, तो उसी का यहाँ पर स्टेटस ओपन करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कोई एक किसान का, जिसका पीएम किसान योजना का जो स्टेटस चेक करने में मोबाइल नंबर जो है वो लिंक है और ओटीपी प्राप्त होता है, यानी केवाईसी वाला मोबाइल नंबर उसके पास उपलब्ध है तो ओटीपी उसको आता है और वो ओटीपी से स्टेटस चेक करता है। लेकिन आपके पास अगर ओटीपी से नहीं चेक हो रहा है तो उसी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, जैसा कि मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। जैसा कि आप
देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किसी नए किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है जिसके पास ई KYC वाला मोबाइल नंबर उपलब्ध है और उसके मोबाइल पर OTP आता है, तो उसी का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है और यहाँ पर सर्च कर लिया है। तो यहाँ पर इस किसान के मोबाइल पर OTP चला गया है। अब मैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए जो प्रक्रिया की है, अब मैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर डालने वाले किसान का यहाँ पर OTP प्राप्त कर लेता हूँ। जैसा कि 4 अंक का मैंने उससे OTP ले लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको फिर से वही टैब ओपन करना है, यानी आपका जो बिना OTP वाला स्टेटस आपको चेक करना है वही टैब आपको इसी में दोबारा ओपन करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि मेरे पास 88 टैब खुले हैं, तो आपके पास हो सकता है 2-4 कोई टैब खुले होंगे। अब आपको वापस उसी पेज पर जाना है जो आपने पहले बीच में छोड़ा था स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर आपको फिर से स्टेटस नहीं चेक करना है, यानी यहाँ पर उस किसान का स्टेटस नहीं चेक करना है जो आपके नज़दीकी आस पड़ोस का है जिसके पास OTP आता है। ये तो OTP से कभी भी चेक कर लेगा, लेकिन अगर आपके पास OTP नहीं आ रहे हैं तो आपको इस किसान वाले OTP को लेना है, यानी 4 अंक के OTP को लेना है और आपको फिर से उसी टैब पर जाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जो हमने OTP प्राप्त किए हैं वो इस टैब पर प्राप्त किए हैं, लेकिन पहले जो ये टैब हमने छोड़ा था जिस पर OTP नहीं आ रहे थे, इसी पर आपको फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह से पेज खुल जाएगा और अभी यहाँ पर OTP के लिए वेट कर रहा है। तो अब वहाँ पर हमें यही OTP डालना है जो 4 अंक का उस किसान के मोबाइल नंबर वाला प्राप्त हुआ है, यानी जो हमें देख सकते हैं पिछले टैब में जो हमने 2 टैब खोल रखे हैं। यहाँ पर एक पहला टैब जो हमने OTP प्राप्त कर लिए, इसका हमें OTP नहीं मिला है, तो इसी पे जो OTP पिछले मिला था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसा कि हमने OTP डाल दिया, गेट डाटा पर क्लिक करते आप देख सकते हैं PM किसान का स्टेटस ओपन हो चुका है। आप आसानी से देख सकते हैं सभी डाटा खुल चुकी है। अब इसमें कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा जो भी आपका जो ब्राउज़र है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी आप ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उसमें आपको दोनों टैब एक ही ब्राउज़र में ओपन करने हैं, एक ही मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करना है। अलग अलग ब्राउज़र या अलग अलग मोबाइल में ये काम नहीं कर सकते। आप एक ही ब्राउज़र में, जैसे क्रोम ब्राउज़र में ये आसानी से काम कर रहा है, तो आप क्रोम ब्राउज़र में पहले अपना खुद का स्टेटस खोलें। इसके लिए आपके पास अगर OTP नहीं आता है तो किसी दूसरे का स्टेटस खोलें, उस पर OTP आएगा, वो अपने वाले में डालिए और स्टेटस देख लीजिए। यही सही तरीका है, आप आसानी से घर बैठे स्टेटस देख पाओगे।